हेलो, कैसे हैं आप लोग? तो अभी तक हम लोग सेल में आपको सेल के स्ट्रक्चर और न्यूक्लियस पढ़ चुके थे, और सेल ऑर्गेनेल्स में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने अभी तक के वीडियो में देख लिया था। ओके, तो आज जितने बचे हुए ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है, जैसे कि राइबोसोम्स, गोल्गी अपार्टस, लाइजोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टाइड्स और वैक्यूल्स, ये आपके सिलेबस में है। इनका फंक्शन, उनका क्या काम है, वो आज हम लोग देखेंगे। आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आई होप, लॉकडाउन में भी, ठीक है। लॉकडाउन का एज अ पॉजिटिव यूटिलाइज करिए आप लोग, है ना, निगेटिव यूटिलाइज नहीं करिए, टेक अपॉर्चुनिटी। और लॉकडाउन में ही यही टाइम है उस एवरेज बच्चे को और वीक बच्चे को जो बाउंस बाउंस बैक करने का टाइम है, क्योंकि इस समय देखिए सभी लोग सो रहे हैं, ठीक है, सभी रिलैक्स कर रहे होंगे, और इसी समय आपको जो है पढ़ के अपने जो गैप है उसको आपको बूम करना है, ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो इसको आप, इसकी पॉजिटिविटी लीजिए। काफी मेरे पास बच्चों का सवाल आया कि सर लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं हो पा रही है, बट इसको पॉजिटिवली चेंज करिए और लॉकडाउन में पढ़िए। बहुत टाइम है, 24 घंटे होता है, आप आराम से 4 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी निकाल सकते हो ऑनलाइन क्लासेस के बाद भी, और हमारे जो लाइव क्लासेस चल रही है उसमें भी हम लोग जो है यही बता रहे हैं और यही बच्चों को सिखा रहे हैं कि कैसे जो है टाइम ऑप्टिमाइज करना है और कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए टॉपिक पे आते हैं, बाकी जो भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। सेल चैप्टर क्लास 9, ठीक है, काफी अच्छा चैप्टर है, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और ये समझ सकते हैं बायो का सबसे बेसिक चैप्टर है। यहाँ से आपको बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन किया जाता है, और ये आगे जो है 10th में भी आपका इसका यूज करेंगे जब हम लोग ह्यूमन बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने प्रीवियस फंक्शन में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ लिया था। हमने कहा था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, ठीक है, पढ़ा, इसका डायग्राम बताया था। इसका जो मेन फंक्शन है, इट फॉर्म द सपोर्टिंग स्केलेटन फ्रेमवर्क ऑफ सेल, और ईआर प्रोवाइड अ पाथवे फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। एक तरह से ये चैनल क्रिएट करता है मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, एक चैनल क्रिएट करता है ताकि जो है एक सेल से दूसरे सेल में मटेरियल किस तरह से ट्रांसफर होता है। तो इट इज अ, समझ सकते हैं, एक रास्ता बनाने का काम करता है, कौन? ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है राइबोसोम्स, जो कि राइबोसोम प्रेजेंट होता है ये किसमें, इंडोप्लास्टिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होता है, किस वाले पार्ट में, सॉफ्ट आरईआर में। और इसका जो मेन इंपॉर्टेंट होता है, वो मेन फंक्शन ये है कि ये प्रोटीन सिंथेसाइज में मदद करता है, इतना आपको जानना है राइबोसोम्स में। राइबोसोम्स आर अ डेंस स्फेरिकल एंड ग्रेनुलर पार्टिकल, व्हिच अकर फ्रीली इन द मैट्रिक्स और रिमेन अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रफ वाला पार्ट है उसमें ये प्रेजेंट होता है, और इट इज मेन फंक्शन इज टू सिंथेसाइज द प्रोटीन, द मेन फंक्शन इज टू सिंथेसाइज द प्रोटीन। ये आपको इंपॉर्टेंट रखना है, याद करना है, ये जो है प्रोटीन को सिंथेसाइज में मदद करता है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस, ये गोल्गी अपैरेटस एक तरह से, हमें आपको बताऊं तो ये एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटर है, एक तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटर है, मटेरियल को एक जगह से सिंथेसाइज करके दूसरी जगह पे सेल को पहुंचाता है। और हम देखेंगे किस तरह से जो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस होता है, जिससे आपके सेल का आउटर सेल बन, आउटर मेम्ब्रेन सिंथेसिस होता है, उसमें गोल्गी अपैरेटस मदद करता है। तो चलिए इसका एक पूरा डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है, लेट्स सी द डायग्राम। ओके, गोल्गी अपैरेटस इसका डायग्राम बनाते हैं हम इधर। देखिए इसका डायग्राम कुछ इस तरह से होता है, आपके एनसीईआरटी में भी दिया होगा डायग्राम। सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, फोल्डेड फॉर्म में सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, ठीक है। ये जो सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं क्रिस्टेना, ठीक है। ये वैक्यूल्स है, वेसल्स है, सॉरी,
वेसल्स है, ठीक है। कुछ न्यू स्ट्रक्चर होता है, आप और भी यहां पे ऐसे बना सकते हो, रफ स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ओके। कुछ रफ स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है, ये होता है गॉल्गी एपर्टस का। तो गॉल्गी एपर्टस जो होता है, इट इज अ सेट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड फिल्ड विद द फ्लूइड वेसल्स वैक्यूल फ्लैटेन क्रिस्टल्स। तो इट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ अ मेम्ब्रेन बाउंडेड फ्लूइड फिल्ड वेसल्स वैक्यूल्स एंड फ्लैटेन क्रिस्टल, ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर होता है ये कैसा होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्रिस्टल क्या है, इट इज अ क्लोज सैक, क्लोज्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ गॉल्गी एपर्टस, ओके। एक चीज और आप यहां पे नोट कर सकते हैं, नोट में इंपॉर्टेंट है कि इट इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में एब्सेंट होता है, ठीक है, एंड ऑल्सो द रेड ब्लड सेल ऑफ मैमल्स उसमें ये एब्सेंट होता है, ठीक है। गॉल्गी एपर्टस जो है इट इज ये इंडोप्लास्टिक रेक्टम से अराइज होता है, इंडोप्लास्टिक रेक्टम जो मैंने बताया था उससे ये अटैच होता है, इट इज अटैच टू द इंडोप्लास्टिक रेक्टम, स्मूथ इंडोप्लास्टिक रेक्टम से कनेक्ट होता है टू द रफ इंडोप्लास्टिक रेक्टम, ठीक है। तो एक तरह से ये स्मूथ से यहां पे स्मूथ, अगर मान लीजिए यहां स्मूथ है, अगर स्मूथ तो यहां पे रफ, इससे ये कनेक्टेड होता है, दोनों से ये कनेक्टेड होता है। और क्या करता है ये, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल का काम करता है, डिस्पैच का काम करता है, मटेरियल के डिस्पैच का काम करता है, ठीक है। इसको हम लोग कह सकते हो लोकल भाषा में पैकर एंड मूवर कहा जाता है, पैकर एंड मूवर मींस ये सब्सटेंस सिंथेसाइज हो रहा है सेल के अंदर उसको पैक करता है एक जगह से फिर दूसरे जगह पे ले जाता है, तो कुरियर सर्विस प्रोवाइड करता है, एक तरह से ये कुरियर सर्विस का काम करता है। तो फंक्शन देख लीजिए आप लोग, द फंक्शन ऑफ गॉल्गी एपर्टस, ओके, द मेन फंक्शन इज इट पैक, फंक्शन फर्स्ट आप लिख सकते हैं इट पैक द मटेरियल सिंथेसाइज इन सेल, इट पैकेज मटेरियल सिंथेसाइज इन सेल एंड डिस्पैच, और क्या करता है, डिस्पैच करता है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे, डिस्पैचेस इन द इंटरसेलुलर टारगेट, सेल के अंदर जो है डिस्पैच करने का काम करता है, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइजोम, इनको जो है ले जाके मटेरियल क्या करता है, डिस्पैच करता है, ठीक है। और सेकंड मेन फंक्शन इसका क्या है, पैकर मूवर तो है ही है, द मेन फंक्शन इज ऑल्सो द मोस्ट, द गोल्गी एपरेटस ऑल्सो इन्वॉल्व इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल को बनाने में मदद करता है, मटेरियल प्रोवाइड करता है हमको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में मदद करता है एंड लाइजोम, अभी हम लोग लाइजोम के बारे में पढ़ेंगे, इसको भी बनाने में मदद करता है। इस प्रोसेस को हम लोग मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है, आप नोट कर सकते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं, ठीक, इस प्रोसेस को हम लोग मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। इतना आपको गोल्गी अपैरेटस के बारे में जानना था। जो नेक्स्ट हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है लाइजोम। लाइजोम को हम लोग सुसाइड बैग ऑफ सेल भी कहते हैं, लाइजोम को हम लोग सुसाइड बैग ऑफ सेल भी कहते हैं, क्यों? लाइजोम जो है वो सेल को प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया से, और साथ ही साथ जब सेल डीके होने लगता है तो लाइजोम जो है अपने बैक्टीरिया को एक्सप्लोर कर देता है और सेल को वो डीके कर देता है, मतलब अगर सेल इंफेक्टेड हो जाता है तो, इसलिए सुसाइड बैग भी हम लोग कहते हैं लाइजोम को, ठीक है। तो नेक्स्ट है, द नेक्स्ट इज लाइजोम, लाइजोजोम्स, ठीक है। लाइजोम जो है स्मॉल टीनी स्फेरिकल शेप, छोटा स्फेरिकल शेप होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, इट इज अ टीनी स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या है? जेल लाइक सब्सटेंस ऑफ सेल, सेल का जो जेल लाइक सब्सटेंस है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। लाइजोसोम जो है एक एंजाइम, लाइजोसोमल एंजाइम आर मेड बाय आरईआर, एक एंजाइम बनाता है आरईआर, लाइजोसोम एंजाइम, जो कि ये यूज करता है। लाइजोसोम को हम लोग डाइजेस्टिव बैग भी कहते हैं, डाइजेस्टिव बैग भी कहते हैं। इसको हम लोग गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम भी कहते हैं, डिस्पोजल सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं? सुसाइड बैग भी कहते हैं, ठीक है। तो सुसाइड बैग भी कहते हैं। क्या होता है? ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ सेल स्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल सेल जो है डीके कर रहा है, डैमेज हो रहा है, तो लाइजोसोम जो है खुद को ब्रस्ट कर लेता है, उसके वजह से क्या होता है, सारा एंजाइम जो है सेल का, एंजाइम जो है वो ईटन अप हो जाता है और सेल जो है वो डाई कर जाता है, ठीक है। तो लाइजोसोम को हम लोग सुसाइड बैग भी कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग कि दे कैन डाइजेस्ट दिस ऑर्गेनिक मटेरियल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम दैट कैन ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। डाइजेस्टिव या डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका ये काम होता है, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? सो लाइजोम्स रिमूव, ठीक है, ये फंक्शन है लाइजोसोम्स का, ठीक है, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, रिमूव द, इसको लाइजोम जो है वो डाइजेस्टिव बैग, दे डिस्ट्रॉय द एनी फॉरेन मटेरियल व्हिच इंटर द सेल सच एज बैक्टीरिया वायरस, इन दिस वे दे प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो सेल को कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन ना हो, कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन जो है सेल के अंदर इंटर ना करे, उससे भी लाइजोसोम क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, उससे भी लाइजोम क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। द मेन, द अदर इज वेरी इंपॉर्टेंट, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन जो हमारे बॉडी में या सेल में जो एनर्जी बनती है एटीपी के फॉर्म में, वो एट द प्लेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बनती है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनली दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट, माइटोकॉन्ड्रिया से आ सकता है सवाल।
So mitochondria. The next is mitochondria. The next is mitochondria. ठीक है. So mitochondria is a double bounded membrane. कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका? डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन. और इसमें इस फॉर्म में क्लोज लूप फॉर्म में मेम्ब्रेन होती है. ठीक है, यहां पे भी राइबोसोम है. ठीक है, ये जो क्लोज लूप है वो क्यों होता है? बिकॉज लार्ज सरफेस एरिया होने की वजह से यहां पे सिंथेसिस जो है, या लार्ज सरफेस एरिया होने की वजह से फंक्शन परफॉर्म करता है. ठीक है, तो इट इज मेन फंक्शन टू हेल्प इन अ सेलुलर रेस्पिरेशन. ओके, ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया इज अ साइट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन. ठीक है, ये ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम में हम लोग देखा था किस तरह से लंग्स काम करता है. तो जो रेस्पिरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है. माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं. पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं. ठीक है, तो जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होता है सेल में या ह्यूमन किसी भी बॉडी में, तो वो एटीपी फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल में वो स्टोर होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में ही, जो है वो प्रोड्यूस होता है. ठीक है, तो मेन फंक्शन क्या है इसका? ठीक है, सो इट इज सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन. तो आप ये भी लिख सकते हैं यहां पे कि इट इज सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन. टू मेम्ब्रेन है. ठीक है, देखिए दो मेम्ब्रेन से बना हुआ, इनर और आउटर मेम्ब्रेन. ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो पोरस होता है. आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस. ठीक है, खास एक चीज और कि सेल का एकलौता ये मतलब कह सकते हैं राइबोसोम भी है, बट ये एकलौता है जिसके पास खुद का डीएनए है. तो इट हैज ओन डीएनए एंड खुद का राइबोसोम्स है, और इसीलिए इसके पास खुद का राइबोसोम्स है तो ये खुद अपने लिए जो है प्रोटीन सिंथेसाइज कर लेता है. राइबोसोम का मेन काम क्या है? टू प्रोड्यूस प्रोटीन. अब खुद का राइबोसोम होने की वजह से ये खुद प्रोटीन सिंथेसाइज, अपने लिए जो प्रोटीन इसको जरूरत होती है इसके मेम्ब्रेन के लिए, मेम्ब्रेन बनाने के लिए, वो खुद सिंथेसाइज ये कर लेता है. ठीक है, और कुछ फंक्शन बच गया है ये बता दिया आपको. ठीक, नेक्स्ट है, ये हो गया आपका. द नेक्स्ट इज Next is plastids. ठीक है, प्लास्टाइड्स जो है ये प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल. ठीक है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टाइड्स ऑल्सो है ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स. अब से एमसीक्यू क्यों पूछा जाएगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टाइड्स का अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स है. ठीक है, प्लास्टाइड्स तीन तरह के होते हैं. फर्स्ट क्रोमोप्लास्ट, दूसरा
क्लोरोप्लास्ट एंड तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, क्रोमोप्लास्ट जो है वो क्या करता है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि कलर्ड प्लास्टाइड्स कहते हैं इसको, कलर्ड प्लास्टाइड्स कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट आपको पता है ग्रीन पिगमेंट के लिए होता है, ग्रीन कलर्ड प्लास्टाइड्स, ठीक है। और ल्यूकोप्लास्ट इज अ कलरलेस प्लास्टाइड्स, कलर लेस प्लास्टाइड्स, ठीक है। ठीक है, इसके बारे में और आपको जरूरत नहीं है, बट इनके थोड़ा थोड़ा डिफिनेशन में आपको नोट्स में दे दूंगा, बट इतना ही आपको जानना है। नेक्स्ट है वैक्यूल्स। नेक्स्ट है वैक्यूल्स, आपको नोट्स में मिल जाएंगे जो एक्स्ट्रा डिटेल है, बट आपको नाइन्थ लेवल इतना ही जानना है, ठीक है। लेकिन डिटेल में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आपको मैं ओलंपियाड लेवल की चीजें लिख देता हूं, तो नोट्स में आपको थोड़ा सा और मिल जाएगा, तो नोट्स आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स की बात करें, सो वैक्यूल इज अ फ्लूइड फिल्ड, स्टोरेज होता है, ये एक तरह से स्टोरेज होता है, और सॉलिड फिल्ड एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड स्पेस, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्पेस, ठीक है। ये स्टोरेज का काम करता है, जो फूड सिंथेसाइज होता है सेल में उसके स्टोरेज का काम करता है, स्टोरेज सैक कहते हैं इसको, ठीक है। एनिमल सेल में वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है, लेकिन स्मॉल और छोटा होता है कंपेयर टू प्लांट सेल। जो प्लांट वैक्यूल्स होता है, ठीक है, वो लार्जर देन होता है एनिमल वैक्यूल्स से, ठीक है, एनिमल वैक्यूल्स से, ठीक है। सो प्लांट सेल में वैक्यूल्स ज्यादा बड़ा क्यों होता है, बिकॉज कि वो इवन प्लांट सेल में जो है वैक्यूल्स की साइज 90% ऑफ सेल होती है, बिकॉज इट फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो फूड वो बनाते हैं उसको वो स्टोर कर लेते हैं, बिकॉज इट कंज्यूम करते हैं आप पूरे टाइम, ठीक है, क्योंकि रात में फोटोसिंथेसिस वो नहीं करते हैं, वो कंज्यूम करते हैं। वैक्यूल्स हेल्प टू मेंटेन द, और मेन और फंक्शन की बात करें हम लोग, इट हेल्प वैक्यूल्स हेल्प टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर इन सेल, सेल में ऑस्मोटिक प्रेशर स्टोर करने में, और साथ ही साथ सेल को सेल की स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में मदद करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, एक दो और हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बाकी मैं उनको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, दे दूंगा, और भी जो छोटे मोटे डिटेल और हैं वो मैं आई विल प्रोवाइड इन नोट्स। तो बेसिकली आपको जो है इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना, इंडोप्लास्टिक रेक्टम, माइटोकॉन्ड्रियल राइजोम, वैक्यूल्स, प्लास्टाइड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, इतने इतना अगर आपको पता है तो मोर देन इनफ है। इसी के साथ जो सेल का थ्योरी पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेल में किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो वो मैं आपको बाद में बना दूंगा, ठीक है। और सेल को तीन पार्ट में हमने कवर किया है, ठीक है, तीन पार्ट में हमने सेल को कवर किया, जैसे ये हमारा लास्ट वीडियो था, और सेल उतना कॉम्प्लेक्स चैप्टर नहीं है, हाँ, लेकिन चीजों को आपको ज्यादा ज्यादा मेमोराइज करना है, तो आप लोग एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा, एनसीईआरटी में जो एक्टिविटी दी गई है वो जरूर पढ़िएगा, जैसे कि आइसोटोनिक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जो भी चीजें एनसीईआरटी में एक्टिविटी दी गई है उसको लेक्चर के दौरान जरूर देखिएगा। और मैं सोच रहा हूँ एक और वीडियो बना दूं जो कि एनसीईआरटी के रीडिंग फॉर्मेट में हो, ठीक है, आप लोग अगर कहेंगे तो एनसीईआरटी के रीडिंग फॉर्मेट में मैं एक वीडियो बना दूंगा विद डिस्कसिंग द एक्टिविटी। ये तो ओवरऑल समरी था चैप्टर का जो कि आपको मैं रिकॉर्ड बना के दे रहा हूँ, बाकी और भी चीजें जो है ज्यादा से ज्यादा जो है आप लोग अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप लोग जो है लाइव में आज जुड़ सकते हैं हमसे, हमारे लाइव क्लासेस में जो है एक्टिविटीज वगैरह भी डिस्कस हम लोग करते हैं, ठीक है, और आपके डाउट जो है वन टू वन सॉल्व करते हैं, तो लॉकडाउन में अपनी स्टडी को और
बूस्ट करें और यूटिलाइज करें इस लॉकडाउन में, किस तरह से आप अपने आप को परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप हमारे जो ऑनगोइंग लाइव क्लासेस है, ऑलरेडी 2 मंथ हो चुका है लाइव क्लासेस की, काफी सिलेबस कवर हो गया है। तो जो न्यू बैचेस है हमारा जो नेक्स्ट मंथ से आ रहा है, वो आप ज्वाइन करिए, ताकि आपको जो है इस जो हमारा समर वेकेशन, उसमें आपको बेनिफिट मिले कि जब आपके स्कूल खुले तो आप जो है बाकी बच्चों से आगे रहें, ठीक है। और बाकी बस थैंक यू, और इस वीडियो को एटलीस्ट अपने 10 फ्रेंड, हर जो भी देख रहा, जो भी हमारी इस वीडियो को देखेगा, वो प्रॉमिस करेगा, प्रॉमिस करिए कि आप अपने 10 दोस्तों को, अपने 10 कॉन्टेक्ट को ये वीडियो फॉरवर्ड करेंगे, ताकि ज्यादा अगर सब्सक्राइबर आएंगे, ज्यादा व्यूज आएंगे, तो हम और जो है कंटेंट जो है बाकी और भी चैप्टर को जो है वो हम बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें वहां से मोटिवेशन मिलता है। सो आपका सपोर्ट मिलेगा, इट इज अ टू वे प्रोसेस, आपका सपोर्ट मिलेगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा, एंड वी रिकॉर्ड द बेस्ट एंड बेस्ट लेक्चर, क्योंकि इससे भी बेस्ट लेक्चर रिकॉर्ड की जा सकती है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है, जो मेरे प्रीवियस स्टूडेंट को पता है कि कितने कंटेंट मैं प्रोवाइड करता हूँ, और सारा कंटेंट जो भी है, जितना पढ़ाया जाता है, वो सब का सब जो है आपको सिलेबस के रिस्पेक्ट में, आपको ऐसा नहीं करते हैं कि स्मार्ट बनने के लिए, जैसे कुछ लोग करते हैं, वो आपको बहुत कंटेंट पढ़ा देते हैं जो कि आपके आउट ऑफ द सिलेबस है। जरूरी नहीं है आपको 11th 12th लेवल की सेल चैप्टर, क्योंकि सेल चैप्टर आपके 11th में भी है, सेम चैप्टर 11th में है, बट हमें उतने लेवल नहीं पढ़ना, हमें 9th लेवल पढ़ना, 9th में इतना ही आता सेल से, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड फॉलो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।